कांगसुन चोई से मिलती है और वो बहुत खुश थी। योबेक उसे देखकर जेलस हो रहा था। कांगसुन और चोई दोनों मस्ती कर रहे थे, योबेक दोनों को देख रहा था। चोई ये कौन है पूछता है। वो बोलती है ये टॉप स्टार है जो कुछ दिन के लिए मेरे घर पर रुका है, और नीचे उतारने के लिए बोलती है, पर वो उसे नहीं उतार रहा था। योबेक जा रहा था तभी सब आते हैं। वो सोचता है उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, पर वो सब उससे नहीं मिलते हैं। चोई के पास जाते हैं। चोई इस आइलैंड का टॉप स्टार है, वो सबसे मिलता है। योबेक घर आता है और देखता है किचन में से धुआं आ रही है, इसलिए वो ऑफ करने के लिए जाता है, पर उसे पता नहीं था कैसे ऑफ करते हैं। वहाँ दादी और कांगसुन आते हैं और ऑफ करते हैं। कांगसुन उससे बोलती है तुम इसे ऑफ क्यों नहीं किए। वो मुझे नहीं आता है, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है बोल। दादी उसके लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाते हैं, पर वो बहुत ही ज्यादा बनाए थे, उसे बहुत पसंद आता है। कांगसुन आती है और वो और दादी के लिए सब चीज मिक्स करती है और दोनों खाते हैं। ये सब देखकर उसे भी खाने का मन हो रहा था। दादी चोई के बारे में बताते हैं, वो बचपन से साथ में रहता था और वो बहुत स्मार्ट है। नेक्स्ट सीन में चोई कांगसुन के बारे में सोच रहा था। वो दोनों साथ में स्कूल जाते थे और बहुत मस्ती करते थे। वो बाहर आता है और अपने मम्मी पापा के साथ में मस्ती करने लगता है। उसके पापा कब जा रहे हो पूछते हैं। वो वापस नहीं जाएगा बोलता है, वो बहुत पैसा कमा लिया है। वो शादी करना चाहता है बोलता है। उसके पापा तुम जो भी करोगे सपोर्ट करूंगा बोलते हैं। किससे पूछते हैं, पर उसकी मम्मी तुम्हारे लिए लड़की ढूंढेंगे बोलते हैं, पर वो टेंशन मत लो वो अकेला ही ढूंढ लेगा बोलता है। वो कांगसुन को पसंद करता था। नेक्स्ट सीन में कांगसुन मछली पकड़ने के लिए जा रही थी पर वो हुक भूल गई थी। दादी योबेक को उसे देने जाने के लिए बोलते हैं। वो देने के लिए जाता है। कांगसुन ड्रेस चेंज करके बाहर निकलती है, वहाँ योबेक था। वो उसे देखकर डर जाती है। योबेक उसे हुक देता है, दादी बोले थे इसलिए वो देने के लिए आया है। फिर वो उसके हाथ पर रेड स्पॉट देखता है और क्या हुआ है पूछता है। वो फिशिंग करने जाती है, वहाँ पर ऐसे हो जाता है बोलती है, पर वो टेंशन में था। कांगसुन ठीक है बोलती है और यहाँ तक आ गए है तो चलो देखने के लिए बोलती है। वो जाने से मना करता है, मछली और समुन्दर नहीं देखेगा। कांगसुन बोलती है वो इस आइलैंड की जलपरी है, तुम अगर मुझे नहीं देखे हो तो लाइफ में पछताओगे बोलती है। योबेक उसका मजाक उड़ा रहा था। कांगसुन वहाँ से जा रही है बोलती है और जा रही थी, वो भी जाएगा बोलता है क्योंकि उसका नेक्स्ट ड्रामा में डाइविंग है और वो प्रैक्टिस करना चाहता है। और तुम्हें क्या लगता है इजी है बड़ा स्टार बनना, पहले से प्रिपेयर करो और हार्डवर्क करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए बॉडी परफेक्ट होना चाहिए। कांगसुन उसे शो ऑफ करना बंद करो बोलकर जा रही थी। वो उसके पीछे जाता है और देख रहा था। वो उसे समझाती है कैसे क्या करते हैं। योबेक तुम्हें डर नहीं लगता है पूछता है। वो बोलती है वो जब 9 साल की थी तब से कर रही है और उसे डर नहीं लगता है क्योंकि उसके मम्मी पापा यहाँ पर है, ये उसकी मम्मी पापा का गिफ्ट है बोलती है। ये सुनकर योबेक सैड हो जाता है और ये सब चोई बताया है बोलती है, तो ये जानकर वो ये सब क्या बकवास बात करता है बोलता है, ये रियल लाइफ है सपना मत देखो। नेक्स्ट सीन में चोई घूम घूम कर सबसे मिल रहा था, तभी पार्क पीछे से अपनी वाइफ को उठाकर दौड़ते हुए स्पीड से जाता है। उसकी वाइफ बीमार थी, वो इतने स्पीड से जाता है जो चोई भी पीछे हो जाता है। नेक्स्ट सीन कांगसुन ड्रेस चेंज कर रही थी और वो बहुत टाइम लगा रही थी। अंदर कुछ गिरने का आवाज आता है, योबेक डोर खोलने वाला था तभी वहाँ पर चोई आ जाता है। योबेक डोर खोलता है और तुम ठीक हो पूछता है। वो ठीक है बोलती है और चोई को देखकर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो पूछती है। फिर दोनों का मस्ती स्टार्ट हो जाता है, वो वहाँ से भाग जाती है, उसके पीछे चोई भी जाता है। ये देखकर योबेक क्या बच्चों जैसे खेल रहे हैं सोच रहा था, पर वो वहीं पर अपना सामान भूलकर चली गई थी। योबेक घर आता है और देखता है चोई कांगसुन को जाने नहीं दे रहा था। वो ये सब देखकर क्या हो रहा है बोलकर जा रहा था। फिर वो देखता है चोई उसकी हाइट माप रहा था। योबेक जाकर उसे देता है, पर चोई और वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। योबेक और कांगसुन लड़ रहे थे। योबेक बोलता है मैं इसे फेंकना चाहता था, पर तुमको बाद में जेल नहीं हो जाएगा, मुझे डर है कि तुम भूखी रहोगी और जेल में रहोगी। कांगसुन हाँ हाँ ठीक है थैंक यू बोलती है इसे लाने के लिए। चोई जोर से चिल्लाकर बोलता है कुछ ठीक करना है तो बोलो, और हथौड़ा निकलता है। योबेक वहाँ का डोर ठीक करो, वहाँ जब भी वो नहाने के लिए जाता है कोई ना कोई आ जाते हैं। दादी दौड़ते हुए आते हैं और ये मिसअंडरस्टैंडिंग है बोलते हैं, और वो कुछ भी नहीं देखे हैं, सब हंसने लगते हैं। चोई रात में खाने के लिए आएगा बोलता है। नेक्स्ट सीन सीओ योबेक का कार चेक कर रहा था क्योंकि उसके कार में से कोई अंदर आकर कुछ ले गया था, और कैसे क्या हुआ था दोंग से पूछता है, वो सब बताता है। सीओ कैमरा देखता है और मेमोरी चेक करता है, पर वहाँ पर मेमोरी नहीं था, तभी वहाँ पर नमजो शूटिंग के बाद वैसे ही आ गया था और उसके पास मेमोरी कार्ड है बोलता है और देता है। वो सब चेक करते हैं, पर वहाँ नामजो और योरा रोमांस कर रहे थे, इसे बंद कर देता है। सीओ जासूस की तरह सब केस को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, और चलो बोलता है, वो सब ढूंढने के लिए जा रहे थे। दोंग कहाँ पर पूछता है, वो कचरे में बोलता है। नेक्स्ट सीन कांगसुन चोई का स्किन केयर कर
कर रहे थे। वो उसे ही देख रहा था और बहुत खुश था, इसीलिए वो आंख बंद कर देता है। कांगसून उसे आंख खोलने के लिए बोलती है पर वो आंख बंद कर देता है। दादी कांगसून से अभी तक वो टॉप स्टार नहीं आए हैं तो जाओ देख कर आना बोलते हैं। वो जा रही थी, चोई वो क्या बच्चा है बोलता है। कांगसून जाने वाली थी, वो उसे रोकता है और वो देख कर आता है बोलता है। वो जाकर योबे को यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कब जाओगे पूछता है। योबे जब टाइम हो जाएगा तो वो जाएगा बोलता है। फिर दोनों के बीच में बहस होता है। चोई बोलता है तुम टॉप स्टार हो पर इस आइलैंड का टॉप स्टार मैं हूँ। और वो हाथ मिलाता है पर वो सिंपल लोग से हाथ नहीं मिलाता है बोलता है। फिर दोनों लड़ने लगते हैं। चोई उसे फाइट करता है पर उसे लड़ नहीं पाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन चोई के पापा कांगसून के लिए ड्रेस देते हैं। वो बहुत अच्छी है बोलती है और ये सब के लिए थैंक यू बोलती है। वो उसे उसके पापा की तरह केयर करते हैं और बाहर आते हैं और उसे देखते हैं। वो बहुत खुश थी। रात में चोई के घर पर पार्टी चल रहा था, वहाँ पर योबेक आता है। चोई अपना स्टोरी सुना रहा था और सब बहुत खुश थे पर योबेक बोर हो रहा था। फिर वहाँ पर चोई गाने लगता है, सब डांस करते हैं और योबेक को भी डांस करने के लिए बोलते हैं। आगे में कांगसून जाती है और डांस करती है। योबेक जेलेस हो रहा था। नेक्स्ट दिन में सीओ केक शॉप पर जाकर पूछ रहे थे। वो बोलते हैं और कोई भी आए थे और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है। वो उसके पीछे जाते हैं पर वो चला जाता है। और इधर योबेक चोई को बुलाकर मैंने सुना यहाँ पर सिर्फ 2 हफ्ते में बोट आता है पर तुम कैसे आए पूछ रहा था, उसे भी जाना है तो बोट को बुलाओ बोलता है। चोई हम दोनों फ्रेंड नहीं है बोलता है योबेक, तो तुम्हें क्या चाहिए पूछता है। चोई उसके साथ चैलेंज करने के लिए बोलता है। चैलेंज स्टार्ट होता है। चोई नहीं हार रहा था इसीलिए योबेक उसके कान में जाकर वो कांगसून के साथ में सोया है बोलता है। ये सुनकर वो हार जाता है और वो बहुत शौक में था। योबेक कुछ भी नहीं हुआ है बोलता है और उसे बोट लाने के लिए बोलता है। वो घर आता है और नहा कर निकलता है। फिर उसे याद आता है आज चोई यहाँ पर खाने आने वाला है, इसलिए वो बाहर का गेट लॉक कर देता है और मैं भी देखता हूँ वो कैसे आता है। चोई आता है और गेट से टकरा जाता है, फिर वो गेट को तोड़ देता है। योबेक आवाज सुनता है और वो क्या अंदर आ गया सोच रहा था। कांगसून और चोई का आवाज सुन रहा था। चोई इसके लिए गिफ्ट लेकर आया था, ये तुम लगाओ और सुंदर बन जाओ, वो शादी करेगा। कांगसून इसे मजाक सोचती है पर वो मजाक नहीं कर रहा है बोलता है। फिर वो उसका हाथ कान पर लेता है और कान को पकड़ कर वो मजाक कर रहा है बोलता है। फिर दोनों लड़ने लगते हैं। योबेक सब सुन रहा था। अगले दिन कांगसून डॉक्टर से मेकअप करवा रही थी, वो बहुत ज्यादा मेकअप कर दिए थे। वो चली जाती है। टीचर वहाँ पर साफ करने के लिए आए थे, वो उनको ही देख रही थी। कांगसून घर आती है, वहाँ पर योबेक आता है और उसे पहचान नहीं पाता है, इसीलिए तुम किसे ढूंढ रही हो पूछता है। वो पीछे देखती है, वो शौक हो जाता है और हंस रहा था। पुराने पोस्टर की हीरोइन जैसे दिख रही हो बोलकर मजाक उड़ा रहा था। वो गुस्से में थी और चली जाती है। फिर वो लंच बनाती है और उसे बुलाती है। योबेक ये खाना देखकर उसका पास्ट याद आता है और वो ये नहीं खाएगा बोलता है। कांगसून क्या हुआ है पूछ रही थी और खिला रही थी पर वो नहीं खाता है और जा रहा था। कांगसून तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो और गुस्सा क्यों हो पूछ रही थी। योबेक तुम्हें क्यों बताऊं, और वो गुस्से में था और चला जाता है। फिर वो पानी के पास आकर बैठा था। फिर उसका पास्ट दिखाया जाता है। उसकी मम्मी उसके लिए खाने के लिए लाए थे और उसके स्टेप फादर भी आए हुए थे और उसे मिलते हैं पर वो उन्हें पसंद नहीं करता है और बहुत गुस्से में था और जाने के लिए बोलता है। उसके मम्मी बाहर आकर सीओ से बोलते हैं योबेक का नाम पर वो पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए उसका केयर कर रहे थे। योबेक ये सब सुन लेता है और वो बहुत गुस्से में था। नेक्स्ट दिन कांगसून कपड़ा साफ कर रही थी, तभी वहाँ पर योबेक आता है और उसे माफी मांगने वाला था पर वहाँ पर चोई आ जाता है और कल 9 बजे बोट आएगा बोलता है। वो रात में सामान पैक कर रहा था पर उसे जाने का मन नहीं हो रहा था, कांगसून भी उसे सोच रही थी। अगले दिन वो जाने के लिए निकलता है, दादी उसके लिए खाना पैक कर दिए थे। वो लेता है और कांगसून से मिलने के लिए जाता है और उसे बाय करता है। कांगसून उसे गिफ्ट देती है, वो बहुत खुश था। कांगसून नीचे है पर बहुत टाइम हो गया था, वो बाहर नहीं निकलती, इसलिए वो डर जाता है और पानी के अंदर छलांग मार देता है पर उसे नहीं मिलती है। वो बाहर निकलता है और देखता है बाहर वो निकली हुई। कांगसून उसे क्या हुआ है पूछती है पर वो बहुत गुस्से में था और दोनों लड़ने लगते हैं। वो गुस्से में था और चला जाता है। कांगसून घर आती है और गुस्से में थी, कपड़ा उतार रही थी। आगे में योबेक था। तुम नहीं गए, तुम कुछ भूल गए हो क्या पूछती है। वो उसके पास आकर मेरे दुनिया में आ जाओ बोलता है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।